सोनी तो फेल है, बिल्कुल फेल। 15,547 भाई साहब, क्या जबरदस्त वाली स्नोफॉल चल रही है। सॉलिड। हाँ, अब हम नीचे गहराई में जा रहे हैं। हम जहाँ रुके हुए थे वो बता रहे थे कि आप बहुत ऊंचाई पे रुके हुए, आप गलत जगह पे रुके हो, वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था। वहाँ पे हमें पूरी रात ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई है, और हम दोनों को नहीं, हमारे साथ जो दूसरी फैमिली है उनको भी पूरी रात प्रॉब्लम रही है। उन्होंने भी मेडिसिन खाई है रात में, और हमने भी मेडिसिन खा के गुजारा किया है पूरी रात। और नींद तो बिल्कुल, मानो कि 5-10 मिनट नींद आई, टाइम देखा, अरे टाइम तो फिर अभी 12:01 बजा है। और यहाँ पे इस तरह के पहाड़ कैसे बह बह कर, जहाँ से पानी वानी निकल के आता होगा बीच बीच में, वहाँ से पानी बहने का एक सिंबल सा है कि रेत साथ में बहकर नीचे आ रहा है। और कितना बस मज़ेदार, क्या बस। और इधर कैंपिंग भी बनी हुई, ऐसी जगह पर हम रुके हुए थे जहाँ पे कैंपिंग थी, बट हम गलत जगह पे रुके हुए थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, ऊँचाई थी। ये पहाड़ तो बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे पहाड़ों में, जैसे बुक्स में होते हैं ना पहाड़ बनाए हुए, और उनमें शेड दी हुई होती हैं, कलर होते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह की शेड कर दूँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इनमें कलर किया हुआ है, शेड दी हुई है। इतने गजब के पहाड़ हैं ये, अलग अलग, आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा किस तरह के हैं। अब हम हैं यहाँ लेह, कारगिल, श्रीनगर, सब कुछ लिखा हुआ है। चलो चेक पोस्ट आ गई भाई, बंद करते हैं वीडियो को, यहाँ दिखाने से। और अब हम यहाँ सरचू में पहुँचने वाले हैं। ये जो सारी चीज, ये पूरा एरिया जो है वो सरचू का है, और ये दिख रहा है यहाँ पे सरचू। अभी हमें बस, हमने अभी चेक पोस्ट किया है, और वहाँ से निकल के सरचू आ गए। और रोड यहाँ पे बड़ी खतरनाक है, मतलब कहीं कहीं बिल्कुल हाईवे है, और कहीं पर बहुत ज़्यादा डैमेज वाली है। वो यहाँ की गलती नहीं है, वो नेचर का कमाल है कि जहाँ पे भी एकदम से कुछ ना कुछ आपदा आ जाती है, उसकी वजह से रोड वगैरह सारी चीज़ें उथल पुथल हो जाती है। ये पानी, पानी की नदी, यहाँ पे कुछ ही कुछ धाराएं सी जा रही हैं कहीं कहीं से निकल कर अलग अलग हिस्से में हो रही है। और जब रेनी सीजन होता होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर के चलता होगा ज़रूर। और यहाँ पे कुछ वर्क भी चल रहा है, वहाँ पे वो क्रेन खड़ी हुई है ना, इधर के साइड, उधर के साइड। और ये देखो यहाँ की रोड, रोड भयानक है बस। और आज तो मेरी तो बैंड बजी हुई है, आवाज़ भी नहीं निकल रही, इस समय दर्द बहुत है। और हम अभी बहुत ही ज़्यादा टॉप पर आ गए हैं, और यहाँ पे हल्की फुल्की स्नो पड़ रही है। आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये जो वाइट वाइट सा, और अब पहले वाइट सा डलता है, फिर उसके बाद पानी की बूंद बन रही है। सुनी, मेरे मुंह पे आके गिर गई 3-4 बार तो है, क्योंकि खिड़की खुली हुई है ना इधर। अच्छा, इधर का। हाँ, मेरे हाथ में मेरी जैकेट पे। हाँ, स्नो यहाँ पे हल्की हल्की, बहुत हल्की फुल्की सी स्नो है। अब पता नहीं आगे ज्यादा पड़ रही है कि नहीं। बड़े चलाते चलाते इतने ऊपर पहुंच गए, बहुत ज्यादा। रास्ता भी ठीक है, पर लगातार चढ़ाई है, लगातार चढ़ाई है। मतलब अभी तक भी मेरी गाड़ी तीसरे गेट से ऊपर चली नहीं है एक बार भी, मैक्सिमम भाई तीसरा, अदरवाइज तो दूसरे से दूसरा ही चलता है बस। ये लो फिर रास्ता खराब है, ये तो आपको हर जगह मिलेगा। तो बड़ी परेशानी है, और उसी अकॉर्डिंगली फिर गाड़ी चलानी पड़ती है। बहुत अच्छे सोनी तो फेल है, बिल्कुल फेल। जगह का मुझे पता नहीं कौन सी है, लेकिन अंदर की सीटिंग देखो सोनिया, आपके पास कितनी अच्छी लगेगी। थोड़ा सोनी आजा, थोड़ा आराम भी करना होगा तो तुम कर सकती हो, है ना। अच्छा, इसलिए तो लेके आया, वो कहाँ रह के आए नहीं क्या, वो बैठे हैं वहीं। चलो हम लोग खाना मंगाते हैं। आंटी थाली कर दो, वेज थाली ना, 150 वाली। इधर आ जाओ सोनी, इस तरफ। सोनी स्नोफॉल कितनी ज्यादा,
वाह, स्नो भी आई गई। सरप्राइज, मजा आ गया भाई। स्नोफॉल नहीं देखी थी आज तक, वो भी देख ली। मैंने कहा स्नोफॉल नहीं देखी थी, वो भी देख ली। भाई साहब क्या जबरदस्त वाली स्नोफॉल चल रही है, सॉलिड। ऑफिस में देखो, मेरे ऊपर ही देख लो, हर जगह तो स्नोफॉल है। गाड़ी में चलना चाहिए, ज्यादा तेज हो। और हम पहुंच गए हैं नकीला, काफी ऊंचाई पर है ये भी। और यहाँ हम हिमांक 15,547 फीट की ऊंचाई पे है। और यहाँ पे सबने पत्थर पत्थर से लगाए हुए हैं, और ये बाइकर्स, और स्नोफॉल भी हो रही है। देखो गाड़ी कैसी शीशे से हो रही है, दिख रही है सोनी, स्नोफॉल तो दिख रही है अभी। अभी इस पर गिरती हुई दिख रही, सारी अंदर आ गई, सारी अंदर आ गई। गाड़ी में अंदर भी आ रही थी उधर के साइड। सोनी चलना है बाहर, ये तो खराब है भाई, खत्म हो रखा मैंने। फिलहाल मैं आ चुका हूँ, हाँ मैं इस तरफ दिखाता हूँ। लाचुंगला पास, एटीट्यूड 16,616 फीट, पहुँच गए फाइनली। यहाँ पहुँचे, अभी तो इससे ऊपर और भी है। चलो यहाँ तो पहुँचे, बहुत लंबा रास्ता है भाई। दोस्तों स्पेशली गाड़ी आपको दिखाने के लिए रोकी है, ये देखिए कितनी अच्छे से मतलब बना हुआ है ये मान के चलो कि ये सब अपने आप बना है नहीं, सुपर। और एक उस तरफ भी है, ये दिखाता हूँ मैं, ये कुछ इस तरह का है, आप देखिए सुपर। ये बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैं सोचा आपको दिखाना जरूरी है। और एक चीज और आपको दिखाता हूँ, हिरन देखो आप कहाँ कहाँ चढ़े हुए हैं यार ये, और उतर रहे हैं उस पे से भी, परफेक्ट है। मतलब कैसे यार, समझ ही नहीं आ रहा, पता ही है यहाँ के होते हैं तो इनको पता होता है कैसे चढ़ना कहाँ उतरना है। और इनके मतलब देखो कैसे कॉर्नर कॉर्नर से हल्का फुल्का सा भी अंतर नहीं है, उसमें से भी मतलब मैनेज कर रहे हैं यार। सही है, गिर जाए तो सीधा मौत ही है, तो कुछ है ही नहीं। और अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, अब हम बिल्कुल नीचे तली में आ गए। ये देखो जो नदी है वो साइड साइड है बिल्कुल रोड के, और पहाड़ी इतने ऊपर, भगवान जी। देखो आगे सुनिए, ये देखना तुम अभी, ये जो रास्ता आ रहा है हाँ। ये अंदर से जाएगा कहाँ से, अभी देखो। अरे बड़ा अच्छा सा रास्ता बन गया। ओ ये तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस में देखा है, इधर साइड में पानी बहता हुआ। शमशेर सेतु, और इससे आगे जस्ट वहाँ पे जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिखाई दे रही है वो है पोंग। और हम आज यहीं रुकने वाले हैं, आगे नहीं जा रहे क्योंकि हमारी पिछले 4 दिनों की नींद पूरी नहीं हुई, तो आज यहीं पे स्टे करने वाले हैं। और टाइम हो गया है 4 बज गए हैं, और मैं तो अब तुरंत सो रही हूँ। आज हम गाड़ी में स्टे नहीं कर रहे हैं, हमारी हालत बिल्कुल नहीं है, तो हमने रूम लिया है 1000 का मिला है। और 4 बज गए हैं, और 2 चाय बोली है और 1 पराठा, उसको खाते ही तुरंत अभी सो रहे हैं। रात के खाने के लिए बोल दिया है कि जब हम उठेंगे तब उसके बाद हम आपको बता देंगे खाने में क्या चाहिए, अभी तो बस तुरंत सो रहे हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, सर में पेन कंटिन्यू है। और बाकी मैं रूम कहाँ लिया है, कैसा रूम है, वो मैं सुबह दिखाऊंगी, अब मेरी बिल्कुल हालत नहीं है, अब मैं तुरंत सो रही हूँ।